तो अगर आप बिना बताए कंपनी छोड़ देते हो और उसके बाद आपको नोटिस आता है कंपनी के एंड से कि आप ज्वाइन करो नहीं तो हम ये कर देंगे या कोई आप पे एक्शन ले लेंगे, तो उस केस में हमें करना क्या होता है? इसका एक प्रोसेस होता है दोस्त कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो हर एक कंपनी में एक प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि मिनिमम 6 मंथ का होता है। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो 1 ईयर का हो, बट मिनिमम 6 मंथ तक का आपको मिल जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि आप कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हो इंस्टेंट, बट कंपनी कंडीशन वहाँ देती है कि अगर प्रोबेशन पीरियड में भी छोड़ोगे तब भी आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। एंड आप उसमें ध्यान से देखोगे तो उसमें ये भी लिखा होगा आपके ऑफर लेटर में या ज्वाइनिंग लेटर में कि एम्प्लॉयर यानी कि वो कंपनी जब चाहे आपको प्रोबेशन पीरियड में बाहर निकाल सकती है सिर्फ एक नोटिस देके। कंपनी आपको निकाल रही है, नोटिस पीरियड आपको बोल रही मत सर्व करो, तो बेसिक पे आपको मिलता है उस कंपनी का, बट वहाँ पे ये मेंशन होता है कि कंपनी आपको इंस्टेंट टर्मिनेट कर सकती है इन दी प्रोबेशन पीरियड। बट द थिंग इज हियर कि जब आप ज्वाइन करते हो और आप इंस्टेंट छोड़ देते हो, फिर कंपनी का नोटिस आता है कि आपको वापस से ज्वाइन करना नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे कोई, तो उस केस में दोस्त टू बी ऑनेस्ट डरने की कोई बात नहीं है। आपने बस किसी भी तरीके का बॉन्ड या अग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं किया हो, अगर आपने कंपनी के साथ किसी भी तरीके का बॉन्ड अग्रीमेंट साइन किया हो तो मे भी हो सकता है वो एक्शन ले लें, क्योंकि बॉन्ड या तो आप वो सर्विस अपनी पूरी करो, फॉर सपोज अगर आपने 1 साल का बॉन्ड साइन किया तो या तो आप 1 साल की सर्विस पूरी कंप्लीट करो, या उसमें कुछ अमाउंट होता है कि अगर आपने 6 महीने में छोड़ दिया और 6 महीने आपके बच रहे हैं रिमेनिंग सर्विस के 1 साल के बॉन्ड में, तो 6 मंथ का आपको अमाउंट देना पड़ेगा उस कंपनी को, तब आप उस बॉन्ड से या अग्रीमेंट से बाहर आ सकते हो। तो उस केस में हो सकता है प्रॉब्लम हो, अगर आपने कंपनी में किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड या लीगल अग्रीमेंट साइन नहीं किया है रुकने का, तो आप कंपनी को दूसरे दिन से ही छोड़ सकते हो। कंपनी कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है क्योंकि एम्प्लॉय फ्री होता है, ओपन टू वर्क होता है, अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, वो चाहे तो कल से छोड़ सकता है। आपने कभी ये सोचा है कि कोई बंदा है 2 साल 4 साल 5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रुकता है और उसके बाद वो रेजिग्नेशन पीरियड डालता है या पेपर डालता है किसी भी कंपनी में, तो क्या होता है कि वो नोटिस पीरियड सर्व करते हैं। जब नोटिस पीरियड होता है तो उसमें क्या होता है कि वो एम्प्लॉय सिर्फ इस वजह से सर्व करता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस लेटर रुका हुआ है, कि अगर आपने नोटिस पीरियड अपना सर्व नहीं किया तो आपका एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगी। तो जो एम्प्लॉय वहाँ पे रिजिग्नेशन सर्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि उनका एक्सपीरियंस लेटर वो कंपनी दे दे और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते डेट ऑफ एग्जिट डाल दे उनके PVF में। तो ये 2-3 रीजन होते हैं जिसमें मेन एक रीजन होता है नोटिस पीरियड सर्व करने का, कि एक्सपीरियंस लेटर कंपनी आपका रोक देगी अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हो। बाकी अगर आप किसी को नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना, किसी को एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए होता है, तो उस केस में वो बंदा दूसरे दिन से छोड़ देता है और दोबारा जाता नहीं, तो उस केस में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये आप देख लो, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो कभी भी छोड़ सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं है और बॉन्ड अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया तो आप दूसरे दिन से कंपनी छोड़ सकते हो। कोई भी लीगल नोटिस कुछ भी आता है तो उसको इग्नोर करना है, हो सकता है HR वहाँ की कंपनी की आपको डराएं धमकाएं ये एक्शन ले लेंगे वो एक्शन ले लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और कुछ भी वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में था कि आप डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट या IT सपोर्ट की जॉब सर्च करें तो नीचे मैंने बेस्ट रिज्यूमे दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, और कुछ 50 से 60 क्वेश्चंस पड़े हैं आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि 90-95% इंटरव्यू में आपको वही मिलने वाले हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।